हेलो, मैं युगपाल सिंह, गवर्नमेंट एनम कॉलेज मानगढ़। स्किल डेवलपमेंट के अंदर अपने क्लास चल रही थी डाटा एंट्री की। डाटा एंट्री के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर अपने कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल के बारे में अपने को बताया था। उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक था प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग में अपने सीपीयू के अंदर पूरी डिटेल उसको की थी, जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी। सबसे पहले मदरबोर्ड आया था, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया, उसके बाद मेमोरी है। तो वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज़ है? अब इनपुट के थ्रू अपने डाटा की एंट्री करते हैं और डायरेक्ट अपने को आउटपुट के ऊपर वो चीज़ें दिख जाती हैं। किससे दिखती हैं? उसके दौरान प्रोसेसिंग या प्रक्रिया होती है, वहां से डाटा गुजरता है, फिर आउटपुट अपने को दिखाता है। अब आउटपुट डिवाइसेस को दो अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक है हार्ड कॉपी डिवाइस, दूसरा अपने कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। दो मेन चीजें हैं, हार्ड कॉपी डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। अब आपको कई बार कहा जाता है जो आपने फाइल बनाई है वो मेरे को हार्ड कॉपी के रूप में जमा कराओ, फिर कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में जमा कराओ। या दो चीजें, हार्ड कॉपी का मतलब जो आपने काम किया है उसको एक पेपर के ऊपर प्रिंट करना हार्ड कॉपी कहलाएगा। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो आपने काम किया वो कंप्यूटर में तो सेव है, लेकिन आप दूसरों को कैसे दोगे? वो आप एक पेन ड्राइव के रूप में सीडी बना के भी दे सकते हैं। वो कब चलेगी? कंप्यूटर जब आपके पास होगा, कंप्यूटर में अटैच करोगे तब वो डाटा अपने को शो होता है। लेकिन हार्ड कॉपी का मतलब उसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो, जब भी आपको जरूरत हो तो उसके देखने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ आपने डाटा सेव किया था कंप्यूटर के अंदर वो सारा कुछ आपको एक पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी डिवाइस। हार्ड कॉपी डिवाइस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? दो चीजें आती हैं, एक होता है प्रिंटर, दूसरा होता है प्लॉटर। प्रिंटर क्या चीज है? जो भी आप डाटा एंट्री करोगे उसको आप सेव करोगे, सेव करने के बाद उसको प्रिंट करोगे। प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर कौन सा? प्रिंटर अलग अलग तरह के होते हैं। कौन से प्रिंटर होते हैं? जैसे अपने इसको डिवाइड करें तो एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं? वही बात जैसे अपने कीबोर्ड की बात कर रहे थे, पुराने टाइम में टाइपराइटर चलता था। टाइपराइटर में क्या होते थे? अलग अलग लोहे की रॉड होती थी, उसके आगे अक्षर ऊपर होते थे, नीचे एबीसीडी लिखी होती थी, वहां से कोई बटन आप दबाते थे, लोहे की रॉड के आगे अक्षर होते जो ऊपर हार करती थी, किसके ऊपर? रिबन के ऊपर। रिबन से भुगवाया हुआ होता था, वो जाके डायरेक्ट किस पे चोट करता था, और रिबन क्या क्या पेपर लगा होता था उस पेपर के ऊपर अक्षर प्रिंट हो जाते थे। ये डायरेक्ट टेक्निक थी जो पुराने टाइम में चलती थी। अब उसमें चेंज हो गया, अब क्या अपने पास कंप्यूटर आ गया, इसमें अपने कंप्यूटर के द्वारा कीबोर्ड के द्वारा डाटा एंट्री कर लेते हैं, जब अपने को जरूरत हो तभी उसको प्रिंट करते हैं, वैसे अपना डाटा उसके अंदर सेव रहता है। अब आप चाहते हो वही चीज़ यहाँ, वही टेक्निक वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक तरह से यूज होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है? सारा काम आपका सेव हो रहा है, डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव है, लेकिन जब आपने प्रिंट करना है तो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है? प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड के आगे छोटी छोटी पिन्स होती हैं। प्रिंट हेड में छोटी छोटी पिन्स होती हैं, जब भी अपने उनकी कमांड देते हैं ये पिन प्रहार करती है किसके ऊपर? रिबन के ऊपर। जैसे उसमें रिबन भिगोया था वैसे इसके अंदर रिबन, इंक से भिगोया रिबन होता है। इसमें वही चीज पेपर लगा होता है गोल्ड ड्रम के ऊपर, जैसे अपने कमांड देंगे ये प्रिंट हेड लेफ्ट साइड से शुरू करेगा, राइट साइड तक जाएगा, फिर ऐसे करके आगे पीछे चलता जाएगा, और जो कमांड आपने दी थी प्रिंटिंग वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट होती जाएगी, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्योंकि इसमें डॉट होते हैं, छोटे छोटे डॉट से प्रिंटिंग होती है, जैसे बिजली के बिल वगैरह पहले चलते थे, कोई पेपर ज्यादा जब अपने प्रिंटिंग करनी होती है। आज की डेट में बैंकों के अंदर आप जाते हो तो आपको वो जो भी प्रिंटिंग यूज करते हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा प्रिंट की जाती है, कोई चेक वगैरह भर के देते हैं अपने, कुछ भी करके देते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जस्ट डाटा एंट्री अपने को पासबुक के ऊपर डाटा एंट्री होती है अपने हिसाब किताब की, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग होती है, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी फिर क्वालिटी बढ़िया नहीं होती, क्या इसका लॉस क्या है? इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होती, लेकिन इसमें फायदा क्या है? ये इसका प्रिंटिंग खर्च बहुत कम है,
जो रिबन होता है 10-15 रुपए का रिबन आता है एक सूट गोया, उससे काफ़ी सारे पेज निकल जाते हैं, तो इसमें कॉस्ट कम है लेकिन क्वालिटी बढ़िया नहीं है। दूसरा, इसकी स्पीड भी स्लो होगी। इसमें क्या, आपने अगर आपके पास अगर टाइम है और क्वालिटी बढ़िया नहीं चाहिए तो प्रिंट कमांड लगा के छोड़ दो, ये अपने आप प्रिंट का पूरा बंडल होता है, आगे जाकर प्रिंट निकालता रहता है, दूसरा काम आप अपना अलग से करते रहते हो। ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये ज़्यादातर यूज होता है। एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें कैसे गोल पंखुड़ी के तरह से होता है प्रिंटर, जो स्पोक्स बोलते हैं लोहे के रोड जो होती हैं चारों तरफ एक से चिपकती होती है, इसमें प्रिंट हेड वैसे लगा होता है, जैसे ही अपना कमांड देंगे ये प्रिंट हेड घूमेगा और वो प्रिंटिंग इसमें डायरेक्टली, इसको बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, इसको बोल, ये है प्रिंटर। अब इसी तरह एक प्रिंटर और इसमें आएगा दूसरा आगे, तीन नंबर, इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर कौन से होते हैं, आज के डेट में सुनोगे 5 मिनट में फोटो तैयार हो जाती है, उसमें इंक जेट प्रिंटर यूज होता है। इसमें क्या टेक्निक यूज होती है, इसमें होता है सिंपल प्रिंट हेड तो वैसे ही लगा होगा, लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन यूज होता था इसमें कार्टराइज यूज होती है, CAR कार्टराइज, जो इंक से भिगोई होती है, इंक पॉट की तरह होती है जिसमें इंक भरी होती है, कार्टराइज में इंक भरी होगी इस तरह से, ये कार्टराइज है इसमें नीचे इंक होगी, इसके आगे नोजल लगी होती है, इसको प्रिंट हेड में फिक्स कर दिया जाएगा इस कार्टराइज को, और जैसे ही अपने कमांड देंगे इस कार्टराइज में से इंक फुहारे के रूप में नोजल से बाहर निकल के प्रिंटिंग करेगी, प्रिंट हेड वैसे आगे पीछे चलेगा लेकिन जो प्रिंटिंग होगी कार्टराइज से इंक और ये लिक्विड भरा हुआ होगा उससे फुहारे के रूप में नोजल के द्वारा आगे सारी प्रिंटिंग की जाएगी। जो रिबन था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में वो तीन तरह का हो सकता है, रेड, ब्लू और ब्लैक, लेकिन जो कार्टेज है इंकजेट प्रिंटर के अंदर कार्टेज ब्लैक एंड व्हाइट कार्टेज अलग होगी और कलर कार्टेज अलग होगी। कलर कार्टेज में तीन तरह की कार्टेज हो सकती है, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिससे वो कलर तैयार होगा। आपने ब्लैक प्रिंटिंग करनी है और कलर कार्टेज पर क्लिक करोगे तो ब्लैक प्रिंटिंग करेगा तीन कलर से मिलाकर, तीन कार्टेज में एक तरह से होती है, फिक्स होता है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में एक ही कार्टेज एक ही कलर डालता है। अगर अपना इंकजेट प्रिंटर लेते हैं तो उसमें दो तरह की कार्टेज डाली जाती है, अगर आपने ब्लैक वाली लेनी है तो ब्लैक वाली अलग मिल जाएगी, अगर कलर कार्टेज लेनी है तो कलर अलग मिलेगी। तो यह इंक जेट प्रिंटर जिसमें 5 मिनट में फोटो तैयार हो जाती है, चार नंबर। इसके बाद आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कौन से होते हैं, इसमें वही प्रिंट हेड वैसे यूज होता है लेकिन इसमें टोनर यूज किया जाता है, कार्टेज की जगह टोनर यूज किया जाता है, इसमें पाउडर बड़ा होता है ब्लैक कलर का, जिसको थर्मल के द्वारा गर्म करके हीट के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, इसमें गोल्ड ड्रम होता है, जैसे अपने कमांड देंगे वो जो पाउडर है वो एक पेपर के ऊपर फिक्स हो जाएगा प्रिंटिंग के रूप में, उसको उसको जब गर्म किया जाएगा वो परमानेंट वहाँ पे अपने को अक्षर प्रिंटिंग दिखाई देगी। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं थी, इसके बाद जब इंकजेट प्रिंटर आया इसकी क्वालिटी इससे बढ़िया हो गई, स्पीड इससे ज़्यादा होगी, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कम थी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में क्या था, ये महंगा पड़ता है प्रिंटर, इसकी जो क्वालिटी बढ़िया है लेकिन ये 4 रुपये पर पेज पड़ता है, ये 10 पैसे पर पेज पड़ता है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर 4 रुपये तक पड़ेगा अपने, क्योंकि जो कार्टेज वो महंगी पड़ती है, तकरीबन 600-700 रुपये की कार्टेज है, अगर रिफंड भी कराओगे फिर 150-200 रुपये लग जाता है, लेकिन प्रिंटिंग फिर कम निकालेगा पेज। जो लेजर प्रिंटर होता है रेट तकरीबन सेम ही होते हैं, 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक आता है, इंकजेट प्रिंटर थोड़ा सस्ता है लेकिन कार्टेज की महंगी पड़ती है, प्रिंटिंग महंगी पड़ती है, लेकिन लेजर जो प्रिंटर है इसमें प्रिंटिंग क्वालिटी बढ़िया होती है और प्रिंटिंग का खर्च भी कम आता है, तकरीबन 30-40 पैसे आता है, क्योंकि इसका टोनर पाउडर के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, लेजर प्रिंटर के अंदर स्पीड भी इनसे ज़्यादा होगी, डॉट मैट्रिक सबसे कम स्पीड है, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर है, फिर लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर ने सभी कमियों को दूर कर देता है, क्या कमियाँ थी, जैसे स्पीड कम थी स्पीड बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़िया नहीं थी क्वालिटी बढ़िया आ जाती है, रेट इसमें खर्चा ज़्यादा लगता है पर पेज प्रिंटिंग का वो इसमें कम लगता है। तो कहने का मतलब आज की डेट में लेजर प्रिंटर ज़्यादा चलता है, लेकिन जो बाजार में फोटो जब तैयार की जाती है उसमें इंकजेट प्रिंटर ज़्यादा यूज होता है, लेजर प्रिंटर में वो काम हो सकता है लेकिन लेजर प्रिंटर के अंदर कलर प्रिंटर लाएंगे तो उससे महंगा पड़ता है। ये फिर अलग अलग तरह के आपको प्रिंटर बताए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये अलग अलग प्रिंटर अपने यूज करते हैं। अब प्लॉटर क्या चीज़ होती है, अब यही चीज़ अपने बड़े बड़े बैनर्स के रूप में जब तैयार करनी होती है उसमें प्लॉटर यूज होता है।
प्लॉटर के अंदर बड़े बड़े जो बैनर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर एक बार प्रिंट करनी हो तो उसके लिए प्लॉटर यूज किया जाता है। ये क्या था, हार्ड कॉपी डिवाइस, यानी हार्ड कॉपी के अंदर प्रिंटर और प्लॉटर आते हैं। अब है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस किस में आएगी, मॉनिटर के अंदर, एलईडी एलसीडी जो चलती है उसमें ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस आता है। तो मॉनिटर कैसा होता है, मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर हो सकता है। इसमें जो चीज दिखाई देगी स्क्रीन वो अलग अलग तरह की, 14 इंच की स्क्रीन है, 15 है, 17 है, किस अलग अलग, इसमें नापेंगे तो टेढ़ा नापेंगे, ये भी ध्यान रखना होता है यहाँ पे। इसमें एक टेक्निक यूज होती है CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है उसमें CRT टेक्निक यूज होती है, उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। डिस्प्ले टेक्निक जो यूज होती है उसको बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। एक होती है FPD, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये लैपटॉप के अंदर यूज होती है, लैपटॉप। CRT ट्यूब जो टेक्निक है वो मॉनिटर के अंदर यूज होती है। FPD ये लैपटॉप जो अपने यूज करते हैं उसमें FPD टेक्निक यूज होती है, बोलते फ्लैट पैनल डिस्प्ले। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। एलिमेंट्री कंप्यूटर के अंदर जो भी शॉर्ट फॉर्म आपको बताई जाती है वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, तो वहां हर जगह पूछ सकता है। ऑप्शनल कंप्यूटर में भी 8-10 शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछ सकता है, 2-2 नंबर, 5 नंबर, जो जैसे उसको ठीक लगे एग्जाम को। तो कहने का मतलब ये आज एग्जाम जो भी चीज़ आपको शॉर्ट के रूप में बताई जा रही है उसको फुल फॉर्म आपने हमेशा याद रखनी है। आगे जैसे नोट्स होंगे वो भी आपको अलग अलग हम देंगे, उसमें से आप कर सकते हो। ये जो आपको आर्किटेक्चर दिया जा रहा है ये ऐसी चीज़ आपने रफ में करो, उसको उसको फिर में एक पेज के ऊपर आपने उसको उतारना है। लास्ट में हम अपने चेक करेंगे, आगे वाली क्लास नेक्स्ट आपको आगे कराएंगे। थैंक यू।